हेलो, कैसे हैं आप सब। और मेरा ये शॉर्ट वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आपको याद होगा मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी एक फेक ब्लॉगर्स के लिए कुछ समय पहले। तो भाई, मैंने उस समय उनका उनकी आइडेंटिटी छुपाई थी, कि क्योंकि मैं सोचता था कि चलो यार, सही है, बंदा है और अपनी वैल्यू बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बट आज पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर उनको मिला और कॉल आया उनका मुझे। नाम तो मैं अभी भी नहीं लूँगा, ये सेकेंड टाइम है मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि यूट्यूब में आदमी अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। चलो सही है, कर रहा है, करे, बट किसी को पर्सनली ना ले। मतलब सही है, तुम पैसा कमाओ, आप हमसे बड़े यूट्यूबर हो, आप पैसा कमाओ, हमें अच्छा लगता है पैसा कमाते हैं, बट मैं इस काम को नहीं कर सकता। अब उन्होंने मुझसे बोला, भाई तुम पे डिवाइसेस हैं और तुम जो हम काम करते हैं उसको, तुम हमारा काम को बस दो दो चार वीडियो में हमारा काम को रियल बोल दो, इवन उसके बदले में हम तुम्हें सपोर्ट देंगे, अच्छा खासा सपोर्ट देंगे और सब्सक्राइबर्स गेन कराएंगे, या फिर जो भी वो करेंगे, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या देंगे। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो भाई मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि आप काम फेक करते हो, तो मैं ये आप भी जानते हो, बट मैं अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, या फिर मैं खुद के लिए, अपने अपने खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं इसको नहीं मतलब मैं उसको कर नहीं सकता। मतलब कोई मुझसे बंदा बोले कि यार डिवाइसेस में तू भूत दिखा दे, मतलब वो एक्टिंग मुझसे हो नहीं पाएगी एग्जैक्टली, क्या, क्योंकि इतना मैं परफेक्ट एक्टर नहीं हूँ। मैं तो बस एक काम करना, मतलब एक जो मेरा मन था कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम को करूँ, मैं इसका रीज़न जानूँ कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बस मैं वो कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ मैं। थैंक्स आपका कि आपने मुझे सपोर्ट करा कि भाई हम आपके लेवल तक आएँ, बट नहीं, थैंक्स। मुझे ना अपने व्यूकर होना है, ना मुझे अपने सब्सक्राइबर करवाना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपनी अपनी अपना क्या बोलते हैं, अपनी लगन से कर रहा हूँ, तो मैं उसको काम को आगे करूँगा। और ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपकी जो है पहचान छुपा रखी थी, बट मैंने आपके मैसेज डाले थे। और वीडियो डालने का रीज़न है कि देखो, अगर आपको लगे कि मैं आपके साथ, या कभी आपको दोबारा ऐसा फील हो कि मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, तो मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा ना रहेगी। रीज़न है कि मैं फेक या फिर मैं फर्जी काम मुझसे हो नहीं पाएगा। एक्चुअली क्या है ना, जैसी एक्टिंग आप लोग करते हैं वैसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वैसी एक्टिंग कर पाऊँ। मुझे कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपना उसमें 100% नहीं दे सकता, और इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। और जहाँ तक रही कुछ और की बात, भैया ऐसा है कि देखो, हम डरते तो किसी से है नहीं, ऊपर भगवान बैठा है, नीचे इंसान है, तो आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। तो भाई इस बात को ध्यान रखिए, और जो कॉल आपने करी, मैं अभी भी आपकी गारंटी छुपा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई और आपको सपोर्ट कर सकता है, तो आप पता कर लीजिए, और भी अच्छे और हमारे रियल जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं वो हैं, बट मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, सॉरी। तो ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे ऐसा मैसेज मत करिए, देखिए, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को पब्लिक लाऊंगा ना, देखें कम, अगर मैं कल के दिन आपकी लोकेशंस में आपको फेक कहने लग गया, तो कम देखेंगे लोग। मुझे पता है कि ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ना नहीं है, बट इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि दोबारा आपसे मुलाकात मेरी ना हो, या दोबारा आपका मुझे आप मुझे कॉल ना करें। भाई मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, आप तो बड़े यूट्यूबर हैं, आपका कॉल मुझे ना आए, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बाय बाय, और अगली बार मेरी वीडियो देख लेने वाली जो मैं बना रहा हूँ, अगर आपको लगेगा कि मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, तो मेरी हमेशा ना ही रहेगी, मैं फेक को सपोर्ट नहीं करूँगा। सपोर्ट तो खैर क्या, मतलब मैं फेक के साथ काम ही करूँगा, हम इतने बड़े तो नहीं किसी को सपोर्ट कर सकें, बट हम फर्जी चैनल्स के साथ और मतलब जो ऐसा जो सच ना दिखाते हों, उनके साथ काम नहीं करेंगे। अब इसको आप हमारा एटीट्यूड कह दीजिए, आप इसको कुछ भी कह दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि अभी इस वीडियो के डालने के बाद दो चार कमेंट आपके भी मेरे पास आ जाएंगे कि मैं ये हूँ, मैं मतलब घमंडी हूँ। भैया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता निगेटिव कमेंट्स से, क्योंकि मैं जानता हूँ असलियत क्या है, और मैं जानता हूँ कि आपके मेरे बीच क्या बात हो रही है। तो ख्याल रखिए, बाय बाय।